हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इट्स इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर एरेबल लैंड्स। एरेबल लैंड क्या होता है? लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड मीन्स जिसमें कुछ उपजाया जा सके, उसको हम एरेबल लैंड्स कहते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कंजम्पशन ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें क्रॉप उगाए जाते हैं लेकिन सिर्फ फार्मर की फैमिली की कंजम्पशन के लिए। मतलब जो किसान है वो सिर्फ अपने लिए कुछ बोता है और उसे अपने लिए ही इस्तेमाल कर लेता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर ट्रीज आर क्लियर्ड एंड बर्न टू कल्टिवेट क्रॉप्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जिसमें कि ट्रीज़ को जलाया जाता है, मतलब वहाँ से लैंड को खाली कर दिया जाता है ट्रीज़ को जलाकर, और उसके ऊपर फिर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तीसरा है नोमैडिक हर्डिंग, मूवमेंट ऑफ हर्ड्समैन विद देयर कैटल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। नोमैडिक हर्डिंग होती है, एस जो हर्ड्समैन होते हैं, हर्ड्समैन कौन होते हैं, जो पशु को इधर से उधर, जो उनका पालन पोषण करते हैं और उनके उनको इधर से उधर ले जाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ हर्ड्समैन विद देयर कैटल, अपने कैटल के साथ जब ये हर्ड्समैन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, किस चीज़ के लिए? इन सर्च ऑफ फूड पास्चर्स एंड वाटर, मतलब अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए या पानी की ढूंढ मचाने के लिए जब ये लोग इधर से उधर जाते हैं, उसको हम नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग, फार्मिंग डन ऑन लार्ज फील्ड्स फॉर सेल इन मार्केट्स ड्यूरिंग यूजिंग मशीन्स। कमर्शियल फार्मिंग होती है ऐसी फार्मिंग जो कि बड़े बड़े लार्ज फील्ड्स पर करी जाती है, और उनका पर्पज़ क्या होता है, उस प्रोडक्ट को, उस क्रॉप को मार्केट में बेचना, और उसके लिए वो उन्हें लार्ज प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है जिसके लिए उन्हें मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इस तरह की फार्मिंग को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड पर क्रॉप्स भी उगाए जा रहे हैं और एनिमल्स भी, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी हो रही है, एनिमल्स का पालन पोषण भी हो रहा है। इस तरह की फार्मिंग को हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लांटेशन फार्मिंग, अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ओवर लार्ज फार्म्स वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फॉर सेवरल ईयर्स। प्लांटेशन फार्मिंग ऐसी कमर्शियल फार्मिंग होती है, कमर्शियल मीन्स इट इज ऑल्सो यूज फॉर मार्केट्स, प्रैक्टिस्ड ओवर लार्ज फार्म्स, ये भी लार्ज फार्म्स पे, बड़े बड़े एरियाज पे, फार्म्स पे की जाती है जहाँ पर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, एक ही क्रॉप उगाया जाता है और उसी के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक। नाउ एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन विच एडिबल प्लांट्स वर ग्रोन एंड लुक्ड आफ्टर। एग्रीकल्चर हमारी खासकर इंडियंस की या ह्यूमन बीइंग्स की आप कह लो कि ओल्डेस्ट एक्टिविटी है। सबसे पहले इंसान ने खेती बाड़ी ही करनी सीखी थी जिसमें कि वे एडिबल प्लांट्स उगाते थे और उनकी ही देखरेख करते थे। टुडे एग्रीकल्चर डील्स नॉट ओनली विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बट ऑल्सो विद रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। आज एग्रीकल्चर ना केवल क्रॉप्स को उगाने की चीज़ है बल्कि इसमें क्या होता है, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी होता है, मींस एनिमल्स का पालन पोषण भी किया जाता है, वो भी हमारा एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है। ऐसा क्यों कहा गया है कि रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर? क्योंकि एनिमल्स से ही हमें मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, उनकी हमें स्किन मिलती है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि इन प्रोडक्ट्स को हम सेल करके मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर में जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। वो क्या होती हैं, जैसे कि क्रॉप्स उगाना, उनको इकट्ठा करना, फिर उसके बाद उनको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उनको मार्केट में सेल आउट करना, ये सब हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन से लेके उसके
मीन्स रेवेन्यू तक, वो एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। और एक तरह की और एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम सर्विसेज देते हैं, वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली। अब हम जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर सकते, उनके दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट आर सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। जिन एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें क्रॉप को उगाया जाता है, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है, ये सभी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब इस बेसिस पे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू गैदरिंग, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिलेट करती हैं किस तरह की चीज़ों से, गैदरिंग मतलब रॉ मटीरियल्स को इकट्ठा करना, उनसे प्रोडक्शन करना नेचुरल रिसोर्सेज से, उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, कैटल रियरिंग, लंबरिंग, ये सभी हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। खेती बाड़ी करना, फिशिंग मतलब पानी में से फिशेज निकाल कर उनको बेचना, माइनिंग मीन्स कोल माइंस वगैरह में से कोल निकालना, कैटल रियरिंग पशुपालन करना, या लंबरिंग मीन्स लकड़ी काटना, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आती हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब जो प्रोडक्ट्स हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू मिले हैं उनको प्रोसेस करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना, उनको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, मैन्युफैक्चरिंग आयरन और स्टेनलेस स्टील फ्रॉम मिनरल्स ऑब्टेन थ्रू माइनिंग, प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल और एनिमल प्रोडक्ट्स सो दैट दे कैन बी कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स एट्सेट्रा। उस तरह की एक्टिविटीज़ जो जिसमें कि हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे नेचुरल फाइबर्स से कपड़ा बनाना या स्टेनलेस स्टील बनाना आयरन से, ये सब हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। थर्ड वन इज़ टर्शियरी एक्टिविटीज़। सर्विसेज रेंडर्ड टू द सोसाइटी आर इंक्लूडेड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम सर्विस देते हैं, मीन्स कुछ उगाने की बजाय हम कुछ सर्विस दे रहे हैं किसी को, उसको हम टर्शियरी एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, मेडिसिन, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एट्सेट्रा, ऑल दीज आर टर्शियरी एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि इसमें सर्विस रेंडर की जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जा रही है, हमें सामान इधर से उधर ले जाना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ अ टर्शियरी एक्टिविटी। टीचिंग, अब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सर्विस रेंडर कर रहे हैं, हम कोई चीज़ उगाड़ नहीं रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ अ टर्शियरी एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एंगेज इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़। इन इंडिया 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। अब पूरी दुनिया में कम से 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड है, और इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग मिलियंस ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड्स फॉडर टू ओवर 13 करोड़ एनिमल्स। एग्रीकल्चर की ही हेल्प से हम मिलियंस ऑफ पीपल को खाना दे रहे हैं और 13 करोड़ एनिमल्स के करीब हम उनको चारा दे रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डिराइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। और जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, उनको रॉ मटेरियल अपने एग्रीकल्चर से ही मिल रहा है। नेक्स्ट इज़
factors affecting agriculture. The concentration of agricultural activities in confined to only some parts of the world where favorable conditions exist for crop cultivation. ऐसे factors जो कि agriculture को affect करते हैं means ऐसी agriculture हर जगह नहीं हो सकता. जहाँ कुछ फेवरेबल फैक्टर्स अवेलेबल होंगे एग्रीकल्चर के लिए वहीं हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं. तो नाउ वी विल सी फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन इनपुट्स. फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चर आर टोपोग्राफी, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट. नाउ वी विल टेक वन बाय वन. टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी मींस लैंड की कंडीशन कैसी है. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा एग्रीकल्चर कैसा होगा. फ्लैट लैंड्स और प्लेन्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एज द सॉइल गेट्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स एंड दीज एरियाज. जो फ्लैट लैंड होते हैं या प्लेन एरियाज होते हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए. क्यों? क्योंकि उनके पास जो रिवर्स होती हैं वहाँ से जो हमारे पास सॉयल आता है दैट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन. ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑन हाई माउंटेन्स कैन बी डिफ़िकल्ट. अब हाई माउंटेन्स पे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज इन दीज एरिया सॉइल इज़ लेस फर्टाइल एंड सॉइल इरोजन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माउंटेनियस एरियाज पे जो सॉइल होती है एक तो वो लेस फर्टाइल होती है, मीन्स जो उसकी उपजाने की क्वालिटी होती है वो कम होती है. दूसरा, सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर. ऑन हाईलैंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड बाय टेरेस फार्मिंग और बाय बिल्डिंग चेक डैम्स. जो हाईलैंड्स होते हैं, जो इस तरह के माउंटेनियस एरियाज होते हैं, वहाँ पर हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं या फिर और बाय बिल्डिंग चेक डैम्स या फिर चेक डैम्स लगा सकते हैं हम, ताकि जो हमारा सॉयल है वो सॉयल इरोजन ना हो. दस टोपोग्राफी ऑफ अ प्लेस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस क्रॉप प्रोडक्शन. इसीलिए टोपोग्राफी, वहाँ का लैंड कैसा है, वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के लिए या एग्रीकल्चर के लिए. सबसे बड़ी बात है कि वो फर्टाइल होना चाहिए. फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अनदर फैक्टर इज सॉइल. क्रॉप्स ग्रो एंड डेवलप इन सॉइल. अब क्रॉप्स कहाँ उगाए जाते हैं? मिट्टी में उगाए जाते हैं, ठीक है. हैंस सॉइल टाइप एंड क्वालिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. इसलिए सॉइल किस क्वालिटी की है यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर वह फर्टाइल है तो हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छे से होंगी, मींस क्रॉप कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन हमें अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी. लेकिन अगर सॉइल इज़ इनफर्टाइल इट विल बी ऑफ लेस क्रॉप प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, एलुवियल सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस इज़ बेस्ट फॉर द क्रॉप्स. जो एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल होती है वो हमारी एक बहुत अच्छी सोर्स होती है हमारी कल्टीवेशन के लिए. इट इज़ सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. लेटराइट सॉइल इज़ लो ऑन फर्टिलिटी. जो लेटराइट सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी कम होती है, वो कम उपजाऊ होती है. इट इज़ सूटेबल ओनली फॉर ग्राउंडनट एंड मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड बार्ले. जो लेटराइट सॉइल होती है वहाँ पर सिर्फ हम ग्राउंडनट उगा सकते हैं, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा या बार्ले उगा सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ वाटर. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. वाटर आपको पता है खेती बाड़ी के लिए क्या, पानी तो हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. रेनफॉल इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर. और हमें वाटर मिलता कहाँ से है? जो इसकी प्राइमरी सोर्स है वो है रेनफॉल. बारिश होने से ही हमें पानी ज़्यादा मिलता है. टाइमली एंड एडिक्वेट रेनफॉल इज़ वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. अब ग्रोथ वो क्रॉप्स को उगाने के लिए एक तो रेनफॉल टाइमली होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए. एडिक्वेट मीन्स अच्छी बारिश होनी चाहिए हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. इन एडिक्वेट और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैन कॉज ड्रॉट, वेयर एज हैवी रेनफॉल कैन कॉज फ्लड्स. अब
अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा, फ्लड आ सकते हैं। अगर बारिश कम होती है, इनएडिक्वेट होती है, तो उससे सूखा पड़ सकता है। तो इसलिए जो रेनफॉल होनी चाहिए वो एडिक्वेट रेनफॉल होनी चाहिए और टाइम टू टाइम होनी चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज ऑल्सो इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जो हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमें इंश्योर करती हैं कि जो हमारे पास पानी है वो टाइमली अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप्स को उगाने के लिए क्लाइमेट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सम क्रॉप्स लाइक वीट नीड मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेन ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड सनी डेज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन। अब क्लाइमेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट अगर जैसे हमारा वीट है, वीट की प्रोडक्शन के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेन चाहिए ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, जब हम उसे उगा रहे हैं। लेकिन जब हम उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसकी कटाई कर रहे हैं, तब हमें सनी डेज चाहिए, मीन्स हमें टेम्परेचर हाई चाहिए। तो क्लाइमेट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रॉपर कल्टिवेशन के लिए। फॉर पैडी हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर फेवरेबल, दस क्लाइमेट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए एक क्लाइमेट भी हमारे एग्रीकल्चर के पैटर्न को कंट्रोल कर सकता है। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वर ह्यूमन इनपुट्स। पहले क्या थे, फिजिकल फैक्टर्स, अब मैं बता रही हूँ ह्यूमन इनपुट्स, मीन्स ह्यूमन के क्या क्या इनपुट्स होते हैं या क्या क्या एफर्ट्स होते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मशीनरीज और टूल्स, फर्टिलाइजर्स, मीन्स ऑफ इरीगेशन, लेबर, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर यूज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर ह्यूमन इनपुट्स। ये सब क्या हैं, ह्यूमन इनपुट्स हैं जो ह्यूमन अपने आप लगाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। सो फर्स्ट वन इज़ मशीनरी और टूल्स। द यूज़ ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी नॉट ओनली सेव्स द टाइम एंड लेबर ऑफ फार्मर्स बट ऑल्सो एनहेंसेस द क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हम अपनी खेती बाड़ी के लिए मशीन्स यूज़ करते हैं या टूल्स यूज़ करते हैं या न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, तो वो ना केवल हमारा टाइम बचाता है बल्कि हमारे फार्मर्स की मेहनत भी बचाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है वो एनहेंस हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड वन इज़ फर्टिलाइजर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम अगर बायो या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, अपने क्रॉप्स में डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। दे प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वे हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। थर्ड वन इज़ मीन्स ऑफ इरिगेशन। एट प्लेसेस वेयर रेन और रेन वाटर इज़ नॉट एडिक्वेटली अवेलेबल, एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हेंस थ्रू इरिगेशन द रीजन ऑफ एरेबल लैंड कैन बी इंक्रीज। जहाँ पर पानी की जो सोर्स है, रेनफॉल है, वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होती, वहाँ पर हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ मेथड्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशंस लगाते हैं, जिससे क्या होता है, एरेबल लैंड्स जो होते हैं उनको इंक्रीज़ किया जाता है, उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ लेबर। वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ रिक्वायर लेबर। अब आपको पता है लेबर क्या होता है, जो लोग मेहनत, जो किसान है, जो करने वाले लोग हैं, उसे हम लेबर कहते हैं। वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ रिक्वायर लेबर। इन पैडी फील्ड्स लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग पैडी प्लांट्स। इन टी गार्डन्स लेबर इज़ नीडेड फॉर प्लकिंग टी लीव्स। मतलब जो पैडी है उसमें क्या होता है, उसको ट्रांसप्लांटिंग, उनको लगाने के लिए हमें बहुत लेबर चाहिए, हमें बहुत सारे लोग चाहिए। टी गार्डन्स में उनको प्लक करने, उनको जो टी की पत्तियां हैं उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत सारे लेबर चाहिए। दैट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसलिए लेबर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसमें,
हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट. इन एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स टू द स्टोरेज प्लेस एंड टू द मार्केट. अब जो हमने फील्ड्स में उगाया है उसको वहाँ से स्टोरेज प्लेस तक ले जाने के लिए या स्टोरेज प्लेस से मार्केट्स तक ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं. द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट द क्रॉप्स मे गेट रुइंड इन द फील्ड्स. अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो जो क्रॉप हमने फील्ड में उगाया है वो क्या होगा? नाश हो जाएगा, उसका नष्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा पड़े पड़े. हैंस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन एग्रीकल्चर. इसलिए ये सारे ही फैक्टर्स जो कि ह्यूमन इनपुट्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए. नाउ फार्म सिस्टम. एग्रीकल्चर इज़ नाउ कंसिडर्ड अ वेल मैनेज्ड सिस्टम. एग्रीकल्चर खाली खेती बाड़ी तक सीमित नहीं रह गया है, इट इज़ अ वेल मैनेज्ड सिस्टम. उसको एक मतलब सिस्टम की तरह से बना दिया गया है. इट रिक्वायर्स इनपुट्स लाइक सीड्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, लेबर, रेनफॉल, सनशाइन एट्सेट्रा. उसके लिए इनपुट्स चाहिए. इनपुट्स मीन्स सिस्टम में क्या होता है, इनपुट्स जितना जो चीज़ आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन मिलती है. तो हमारे एग्रीकल्चरल के एक्टिविटीज़ के लिए क्या इनपुट्स हो गए, जैसे सीड्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, लेबर, रेनफॉल, सनशाइन. जो अभी हमने फैक्टर्स ऊपर पढ़े थे वो सभी हमारे इनपुट्स हैं. सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द सिस्टम आर प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एट्सेट्रा. अब कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऑपरेशंस मीन्स कुछ काम किया जाता है, कुछ प्रोसेसिंग्स की जाती हैं जिनको हम ऑपरेशंस कहते हैं. इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन फार्म सिस्टम. थर्ड वन इज़ आउटपुट. द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड आर आउटपुट. और इन इनपुट्स और ऑपरेशंस के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है. तो इसलिए फार्म सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन बाय एज वी नीड थ्री थिंग्स, inputs, operations and outputs. And inputs are of two types, physical inputs and human inputs. जो कि अभी मैंने आपको इसे ऊपर समझाया था कि physical factors क्या होते हैं और human inputs क्या होते हैं, ये सब हमारे inputs में include होते हैं. Now you understand farm system. Now I am closing this video on this topic only. Further part of this chapter I will एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो. आपको अगली वीडियो में इसके आगे का समझाया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.